25 महमूद गजनी। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी के ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी फिरदौसी उद्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 26 मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191। पक्ष गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी। पक्ष गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। परिणाम गौरी विजयी। चंदावर का युद्ध वर्ष 1194 ईस्वी। पक्ष गौरी एवं जयचंद। परिणाम गौरी विजयी। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। पृष्ठ 34। 27 सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। इसमें अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। एक, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दो, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तीन, एकता प्रणाली चलाई।
4 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना गया। 5 सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखोर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। पृष्ठ 35। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राजदरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूंग खा की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के विरसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर्स था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलाउखेरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कडा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवाने रियासत, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरीत बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। शहनाई मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराहे अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी।
पृष्ठ 36। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजायूनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता, दो गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन ए मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक वंश गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए किए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख को प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपया टंका के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः: एक, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी, दो, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी, तीन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी, चार, खुरासन एवं कराचल का अभियान। पृष्ठ 37। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन,
अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके प्रशासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्वा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। प्रश्न 38। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक कुशशर्क पूर्वाधिपति की उपाधि एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीखे मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वो अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट को ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दो दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। पृष्ठ 39। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। एक, वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। दो, मुशारिफे मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजूमदार, उधार लिए धन का हिसाब रखना। चार, खजीन, कोषा अध्यक्ष। पांच, आरिजे मुमालिक, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। छह, सदरोस सदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सात, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। आठ, बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग की प्रमुख अधिकारी। नौ, वकीले दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दस, दीवाने खैरात, दान विभाग। ग्यारह, दीवाने बंदगान, दास विभाग। बारह, दीवाने इस्तहाक, पेंशन विभाग। विभाग, दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग बलबन। दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तहाक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शिको जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। शिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। राजस्व कर व्यवस्था। उष्ट्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट, खम्स, यहां लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग प्राप्त करके उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। पृष्ठ 40। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। 10 अश्वारोही बराबर 1 सरेखेल 10 सरेखेल बराबर 1 सिपह सालार, 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खान।
सुल्तान सप्ताह में दो बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। स्थान और प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अनहीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सदगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए। कलचूरी चेदी राजवंश। कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचूरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचूरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचूरी दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पृष्ठ 33। मध्यकालीन भारत। 24। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था।